हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज़ के कुछ अमेजिंग शॉर्टकट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा एक डेस्कटॉप है। इस पर कितनी सारी ऐप्स ओपन हैं, यू कैन सी कितनी ज़्यादा ऐप्स ओपन हुई हुई हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टाइम सेव करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक फ़्रेश डेस्कटॉप आ जाए। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा ऐप्स मुझे बंद ना करनी पड़े, मुझे एक नया डेस्कटॉप चाहिए जिस पे मैं फिर से एक काम कर सकूं। तो काफ़ी कई बार क्या होता है कि हमारी कितनी ज़्यादा ऐप्स ओपन होती हैं तो मुझे इमीडिएटली एक फ्रेश डेस्कटॉप चाहिए होता है जिसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन रन ना करती हो। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स रन हो रही हैं तो मुझे एक नया डेस्कटॉप चाहिए, फ्रेश डेस्कटॉप चाहिए। तो क्या करूँगा, तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने इसलिए आपके सामने रखा हुआ है कि आपको पता चल जाए कौन सी कीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो कौन सी कीज़ यूज़ करूँगा मैं, विंडो कंट्रोल और डी। तो इससे क्या होगा, देखो एक फ्रेश डेस्कटॉप आ गया। अब इस वाले डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी ऐप रन नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहला डेस्कटॉप था उसके ऊपर सारी की सारी ऐप्स ओपन थी, इस वाले डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी ऐप ओपन नहीं है। तो चलो सपोज करो इसके ऊपर एक ये है और एक दो ऐप्स और ओपन कर लेते हैं, तो एक ये है, ठीक है, माई पीसी है। तो अब इस वाले के ऊपर ये दो चल रही हैं, एक ये दिस पीसी और एक ये नोटपैड चल रहा है। अब मैं एक नया और डेस्कटॉप बनाने जा रहा हूँ, फ्रेश डेस्कटॉप, विंडो कंट्रोल और डी। तो अब ये एक बिल्कुल फ्रेश डेस्कटॉप और आ गया। तो ये काफ़ी बढ़िया इजी वे है, क्या करना है, बस विंडो कंट्रोल और डी प्रेस करना है, विंडो कंट्रोल डी। तो जो भी आप काम कर रहे होंगे वो तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक फ्रेश डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ कि हमने तीन डेस्कटॉप तो अभी हमने बना लिए, तो वो तीन डेस्कटॉप्स के बीच में हमने स्विच कैसे करना है, एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर कैसे जाना है। तो अभी आप देख पा रहे हो ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा, तो मैं पुराने वाले डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, पिछले वाले पे, तो विंडो कंट्रोल और ये वाली की प्रेस करूँगा, लेफ्ट वाली। तो विंडो कंट्रोल और लेफ्ट वाली की प्रेस की तो ये मैं पिछले डेस्कटॉप के ऊपर आ गया जिसपे नोटपैड चल रहा है, ठीक है। और फिर से मैं विंडो कंट्रोल और इस वाली की को प्रेस करूंगा तो मैं उससे भी विंडो कंट्रोल और ये वाली की प्रेस करूंगा तो मैं उससे पिछले वाले पे आ गया, विंडो कंट्रोल और ये वाली की प्रेस करूंगा, ठीक है। तो विंडो और विंडो कंट्रोल, विंडो कंट्रोल और ये वाली की प्रेस करने से मैं दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर स्विच कर पाऊंगा। जस्ट वेट, विंडो कंट्रोल और ये वाली, तो मैं वापस अपनी उस वाली स्क्रीन के ऊपर आ गया जो पहले वाली थी। तो कैसे स्विच करना है, सिंपल, ये कीबोर्ड के ऊपर विंडो कंट्रोल और राइट की या लेफ्ट की। तो ये देखना, अभी ये मेरा एक डेस्कटॉप है जिसके ऊपर ये सारी ऐप्स चल रही हैं, तो मैंने विंडो कंट्रोल और ये की प्रेस की तो दूसरे डेस्कटॉप पे आ गया, विंडो कंट्रोल और ये प्रेस की तो तीसरे डेस्कटॉप पे आ गया, विंडो कंट्रोल और की तो ये वाले मैं अलग अलग डेस्कटॉप के ऊपर स्विच कर पा रहा हूँ विंडो कंट्रोल और लेफ्ट या राइट की से। ये देखिए आप, ठीक है ना, तो ये काफ़ी ईजी है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे जो अब मैंने डेस्कटॉप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप जो मैंने क्रिएट कर दिया, अब मैं उसको कैसे क्लोज करूंगा। तो विंडो कंट्रोल, पहले मैं स्विच करता हूं विंडो कंट्रोल और इस वाले मैं डेस्कटॉप पे गया, तो अब आपने क्या करना है, सिंपल विंडो कंट्रोल और आपने F4 प्रेस करना है तो वो वाला डेस्कटॉप जो है वो क्लोज हो गया। अब मैं फिर से स्विच करता हूँ, पहले तो स्विच करें विंडो, स्विच करते हैं विंडो कंट्रोल और इस वाली की से मैं अब इस वाले डेस्कटॉप पे आ गया। आपने सिंपल क्या प्रेस करना है, विंडो कंट्रोल और F4, तो वो वाला डेस्कटॉप भी आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। विंडो कंट्रोल, अब मेरे पास सिर्फ तीन डेस्कटॉप बचे तो मैं इनको क्लोज कर सकता हूँ। तो एक मेरे पास ये डेस्कटॉप है जिस पे सारी ऐप्स चल रही हैं, एक मेरे पास ये डेस्कटॉप है जिस पे कुछ नहीं चल रहा है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं, विंडो विंडो कंट्रोल और
F4 वो भी हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ये दो बचे हैं, ठीक है। तो विंडो कंट्रोल और F4 से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास ये इतनी सारी एप्स ओपन हैं, अब मुझे इन सभी को मुझे मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, विंडो की और एम प्रेस करूँगा, विंडो और एम, ये सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। मैं फिर से बताता हूँ, ये सारी ऐप्स आपकी ओपन है, तो कई बार मुझे डेस्कटॉप चाहिए होता है, ये ऐसे सारी ऐप्स ओपन ओपन कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा ऐप्स ओपन है, तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, मुझे मतलब सारी की सारी मिनिमाइज करनी है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जा सकते हो, लेकिन अब मुझे यहीं से डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, तो विंडो और एम प्रेस करूँगा और सारी की सारी जो मेरी ऐप्स चल रही हैं वो क्या हैं, वो आपकी ऐप्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको शॉर्टकट्स अच्छे लगे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिस्टम को लॉक करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, विंडो और एल प्रेस करना है और सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सिस्टम मेरा लॉक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैंने इस सिस्टम को फिर से लॉगिन करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना ये पासवर्ड फिल करूँगा और मैं लॉगिन कर पाऊंगा। तो विंडो और एल बता दिया आपको शॉर्टकट जो है विंडोज़ का, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स बढ़िया लगे होंगे, और भी शॉर्टकट्स मैं जल्दी ही शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।